हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र बोर्ड के 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, आपकी जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन के आपकी जो वाइवा एग्जामिनेशन होती है, सो फ्रेंड्स उसको कैसे अरेंज करें, सो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो एक लेटेस्ट आर्टिकल है वो आया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जो है वो जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मौखिक प्रदर्शन परीक्षा कैसे करें शिक्षकों में भारी असमंजस। सो फ्रेंड्स, हेडलाइन पढ़कर ही आपको सारी जो बातें वो समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें जो है वो बताई गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं की जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 महीने में जो है वो चालू हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसमें 10वीं और 12वीं की जो 12वीं कक्षा में जो मैं पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और आपको जो पढ़ाने वाले शिक्षकों के मन में एक कठिन सवाल का जो उनको सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो ओरल एग्जामिनेशन है और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कैसी ली जाए, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले 6 से 8 महीनों में आपकी जो प्रैक्टिकल्स है वो स्कूल में एक भी बार परफॉर्म नहीं हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है। और फ्रेंड्स, अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें से 20 से 30 या 30 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि इसमें टीचर्स का कहना ये है कि जो शिक्षा विभाग है उनको इसके ऊपर एक जो ठोस डिसीजन जो है वो लेना चाहिए, ताकि जो भी अभी कंडीशन बनी है उसका हल जो है वो निकाला जा सके। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी जो आपकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मार्च अप्रैल में ही होंगी। मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन होने के पहले आपकी जो ओरल एग्जामिनेशन और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो फरवरी में शुरू होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। मगर इसमें एक बात बताई गई है कि अभी आपके पास सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं और 1.5 महीने में इतना पूरा कोर्स कंप्लीट करना, उसमें आपकी वाइवा लेना, उसमें आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेना, ये कैसे करें, ये से 2 सवाल जो है वो शिक्षकों के टीचर्स के सामने अभी खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, इसका हल निकालने तो ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो क्लास टेंथ की जो ओरल एग्जामिनेशन है वो 25 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में, साथ ही साथ जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है और ओरल एग्जामिनेशन है वो 14 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में जो है वो होने वाली है। फिर फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स को सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके बाद उनकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेनी पड़ेंगी, फिर उसके साथ आपका वाइवा और आपका प्रैक्टिकल, इन सारी जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल पूरा कोर्स कंप्लीट करना, फिर आपका वाइवा लेना, आपका ओरल लेना, फिर आपकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी टीचर्स के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है, इसको आप के लिए कैसे कंडक्ट करवाया जाए। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया कि अभी भी जो स्कूल्स है वो सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए खुले हैं, जो भी स्कूल कॉलेजेस है वो सिर्फ अभी 3 से 4 घंटे के लिए खुले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में टीचर्स को परीक्षा लेने तक में हर एक चीज़ में असमंजस है, मतलब कन्फ्यूजन उनको पैदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सभी का टेंशन जो है वो सभी को है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो भी स्कूल है उनको अभी तक खुलने में 1 साल भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना जो पढ़ाई है वो पूरी भी नहीं की है। फिर इसमें बताया गया है कि अभी भी स्कूल्स कोई इतने स्कूल्स ऐसे भी है जिनका अभी तक जिसमें अभी सिर्फ 30 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th और 12th में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी जो कंडीशन है वो कितनी क्रिटिकल है। फिर इसमें बताया गया है कि अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक स्कूल जाने की जो परमिशन है वो घर वालों ने नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो टीचर्स के सामने बनकर आ रहा है, और आपका जो शिक्षा विभाग है उनके सामने भी ये बहुत सारी जो चुनौतियाँ वो है। सो फ्रेंड्स, इसमें इस आधार पर आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कैसे ले जाए, आपको अंक कैसे दिए जाए, आपको मार्क्स वगैरह वो कैसे देंगे, सो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी दुविधा जो है वो टीचर्स के सामने अभी आई है। सो फ्रेंड्स, ये सभी बातें जो है वो आपके इस आर्टिकल में बताई गई है। और फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है वो ABP माजा द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन कर बताया है, ताकि आपको सारी जो बातें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आर्टिकल है वो मराठी में कुछ इस प्रकार से था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका सिंपल ट्रांसलेशन और अच्छे तरीके से आपको मैंने इस आर्टिकल में क्या क्या बातें जो है वो लिखी है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं, मैं अब आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।